एशिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट आप सभी का बॉलीवुड पॉल कॉल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका के बारे में। कार्तिक आर्यन ने नेटफ्लिक्स पर ऐसा धमाका किया जो आपके कान पर नहीं दिमाग पर असर करेगा। एंकर क्या है? एंकर एक्टर है। एक्टर को क्या चाहिए? एक्टर को दर्शक चाहिए। दर्शक को क्या चाहिए? दर्शक को ड्रामा चाहिए। बस शुरू होती है असली ड्रामे की शुरुआत कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका के साथ। देश दुनिया में जब कोई घटना होती है तो उसे जानने के लिए आम इंसान क्या करता है? आम इंसान न्यूज देखता है। क्या सच है क्या झूठ है जो एंकर कहता है उस पर भरोसा कर लेता है। आम जनता के दिल दिमाग में अपनी अपनी पसंद का चैनल और उसका एंकर होता है जिस पर वह भरोसा करता है। भरोसा शब्द के जो मायने जिंदगी में होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक मायना फिल्म धमाका में आप देखेंगे। फिल्म की कहानी का आधार है पत्रकारिता की दुनिया में मची खबरों की होड़। पहली खबर ब्रेक करने के लिए मीडिया की दुनिया में किस किस तरह की सौदेबाजी होती है उसको बिना मसाला लगाए साफ साफ तरीके से दिखाती है। मीडिया की दुनिया में जुड़े राज फिल्म एक के बाद एक करके ऐसे खोलती है जिससे आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। अगर आप कंटेंट वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो दर्शकों के लिए कार्तिक आर्यन ने घर बैठे बड़ा धमाका कर दिया है। फिल्म की कहानी एक हादसे पर बुनी गई है जिसे ज्यादा मसाला लगाए दर्शकों के सामने शॉर्ट में परोसा गया है। जनता और एंकर के बीच के रिश्तों और मीडिया के धोखे के ऊपर फिल्म की कहानी को लिखा गया है। खबरों के व्यापार के लिए चैनल किस हद तक पहुंच जाता है उसे बखूबी दिखाया गया। कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक एक किरदार आपके दिमाग को हिट करेगा। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया है। माधवानी एक सफल निर्देशक हैं। उन्होंने असाधारण कहानियों को बहुत ही अनोखे अंदाज से पर्दे पर उतारा है। अभिनय के मामले में धमाका एक बेहतरीन फिल्म है। कार्तिक आर्यन अपनी कॉमिक टाइमिंग और हल्के फुल्के रोल के लिए जाने जाते हैं लेकिन धमाका के साथ उन्होंने एक्टिंग के एक नए स्तर को छुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कार्तिक ने इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 10 दिन में पूरी कर ली थी। इस तरह के मनोरंजक प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए न्यू साउंड इंडिया फाउंडेशन के साथ। मेरी मुलाकात होगी आपसे कल एक नई फिल्म एक नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद।